जो भी बच्चा अच्छा मिट्टी का घर बनाकर लेके आएगा मैं बस उसे ही ढेर सारे पटाखे और जेली बॉल्स दूंगी। अरे लेकिन आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लगता है मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है। रात को मैंने बहुत सारे आलू के पराठे खाए ना, इसीलिए। चलो बच्चों के आने से पहले मैं टॉयलेट होकर आ जाती हूँ। और स्वीटी मैम टॉयलेट के लिए चले जाती है। अरे मेरी पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही है, चलो जल्दी से जाती हूँ। और यहाँ पर पिंकी छुपके से मैम की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, ये स्वीटी मैम ये तो हमेशा सुहाना सुहाना करती रहती है। मुझे तो ऐसे लगता है जो मेरी बली बहन ने इतनी मेहनत से घर बनाकर दिया है, तो मैडम मेरे घर की जला भी तारीफ नहीं करेंगी, बस सुहाना 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 ही करती रहती है। और मुझे लगता है वो शाले पटाखे और जेली बॉल चुहाना को ही मिल जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे मालूम है चुहाना ने भी मिट्टी का घर बनाकर लेके लाएंगी और बस मैडम उसके ही घर की तारीफ करेंगी, मेरे लिए घर की तारीफ वो करने ही वाली नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैडम वैसे भी टॉयलेट में गई है और वैसे भी मैडम ने बहुत दिन पहले मुझे भी टॉयलेट में बंद कर दिया था, अब मैडम आपकी भली है। चलो अब मैं भी मैडम को टॉयलेट में बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो मुझे कैसे क्या नहीं नाम देती है, हमेशा चुहाना चुहाना करती रहती है। अरे ये क्या बच्चों, पिंकी तो मैडम को टॉयलेट में बंद करने जा रही है। अरे वाह, टॉयलेट में भी कोई नहीं दिख रहा है, चलो जल्दी से जाती हूँ, मेरी पेट की गड़बड़ तो बढ़ती जा रही है। अरे मैंने क्यों आलू के पराठे खाए क्या मालूम। और स्वीटी मैम टॉयलेट को चले जाती है। चलो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हूँ, ओह माय गॉड मेरे पेट में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और स्वीटी मैम टॉयलेट में चली जाती है। अरे वाह, ऐसा लगता है मैडम टॉयलेट में चली गई है, चलो मैं जल्दी से बाहर से लगा देती हूँ। चलो थोड़ा आराम से लगाती हूँ, मैडम को अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे वाह मेरा काम हो गया है, चलो मैं यहाँ से पाँव दबा के निकल लेती हूँ। अरे ये क्या बच्चों, देखा आपने पिंकी ने कैसे मैडम को टॉयलेट में बंद कर दिया है। अरे वाह, चलो मेरा काम हो गया है, अब जल्दी से मैं अपनी जगह पर बैठ जाती हूँ और अपना घर भी यहाँ पर रख देती हूँ। अरे वाह नैन्सी मैडम आ गई है, नैन्सी मैडम को थोड़ी ना मालूम कि मैं कितनी ज्यादा शलालती हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा हो गया कि मैंने स्वीटी मैडम को टॉयलेट में बंद कर दिया। अरे ये क्या, क्लास में तो कोई भी नहीं दिख रहा है सिवाय पिंकी के। अरे ऐसा लगता है स्वीटी मैम की पेट की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई होंगी, इसलिए वो घर पर चली गई। वैसे भी वो मुझे बोल रही थी कि उनके पेट में ज्यादा गड़बड़ हो गई है। अरे चलो जाने दो, वो तो घर पर चली गई है, लेकिन ये फिफ्थ स्टैंडर्ड की क्लास मुझे ही संभालनी होगी। चलो अच्छा हुआ वो मुझे बोल के गई है कि जो भी बच्चा मिट्टी का घर अच्छा बनाकर लेकर आएगा तो उन्हें पटाखे और जेली बॉल दिए जाएंगे। अरे आज मेरे सर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। मैं सभी बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लूंगी ताकि प्रिंसिपल मैम मेरे से इम्प्रेस हो जाए और मेरी पेमेंट बढ़ा दे। अरे वहाँ चलो बच्चे आने लग गए हैं। अरे पिंकी मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि हमने दिवाली का होमवर्क नहीं किया है। और पिंकी को तो देखो उसने कैसे दिवाली का होमवर्क करके आया है। अरे हाँ पिंकी, हमने मिट्टी का घर बना के लेके आया ही नहीं है और जो पिंकी इतनी ज्यादा शलालती है उसने तो दिवाली का होमवर्क करके आया है। अरे अब हमें टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। अरे चिंकी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे मिंकी मुझे ऐसा लगता है कि हमें टीचर से पनिशमेंट मिलने वाली है, चलो अब हम जल्दी से हमारी जगह पर बैठ जाते हैं। अरे चिंकी मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ना जाने टीचर हमें क्या पनिशमेंट देने वाली है। अरे ये कि मैंने भी दिवाली का होमवर्क भूल गई हूँ, अब ना जाने टीचर मुझे क्या पनिशमेंट देंगी। अरे मेरी छोटी बड़ी गलती कितनी क्या हो सकती है, मैं दिवाली का होमवर्क ही नहीं किया है। चलो मैं भी अपनी जगह पर बैठ जाती हूँ, ना जाने टीचर क्या पनिशमेंट देंगे। अरे सुहाना तुमने अच्छे से नाश्ता कर लिया है ना। अरे सीता मासी मेला नाश्ता तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक टेंशन आ रहा है कि इतना बड़ा घर तो मेले से उठाए भी नहीं जा रहा है और मेरी स्कूल का भी टाइम हो गया है, अब मैं कैसे स्कूल जाऊँ। अरे हाँ सुहाना ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे भाई इसमें क्या परेशानी वाली बात है, सुहाना बेटे तुम ये घर को लेके मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे भाई ये बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, जब लाम अंकल की बैलगाड़ी है तो डलने की क्या बात है। चलो अब मैं जल्दी से घर उठा के बैलगाड़ी में लग देती हूँ। लाम अंकल मैं बैलगाड़ी में बैठ गई हूँ, आप जल्दी से बैलगाड़ी चालू कीजिए। हाँ सुहाना बेटे अभी चालू करता हूँ। और सुहाना बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल चले जाती है। अहले ऐसे लगता है आज मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, चलो मैं जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ। चलो मैं इसे यहाँ पर लग देती हूँ और अपनी चेयर पर बैठ जाती हूँ। और सब बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। अरे वहाँ ऐसा लगता है सारे बच्चे आ गए हैं। चलो मैं सबसे एक एक करके पूछती हूँ कि किसने दिवाली का होमवर्क करके आया है। तो बच्चों आप में से किसने दिवाली का होमवर्क करके आया है? यश मैडम मैंने दिवाली का होमवर्क करके आया है। अरे मैडम मैंने भी दिवाली का होमवर्क करके आया है। अरे ये क्या, सिर्फ दो बच्चों ने दिवाली का होमवर्क करके आया है और बाकी के बच्चों ने नहीं किया है? चलो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, तुम सब मुर्गा बन जाओ। अरे चलो लिंकी और मिंकी हम तीनों को भी मुर्गा बनना पड़ेगा। और तीनों स्टूडेंट्स मुर्गा बन जाते हैं।
अब तुम तीनों की यही पनिशमेंट है, स्कूल छुट्टी तक तुम तीनों को मुर्गा बन के रहना होगा। और वेरी गुड सुहाना पिंकी, तुम दोनों ने भी दिवाली का होमवर्क करके आया है। चलो अब एक एक कर मुझे बताओ कि तुमने मिट्टी का घर कैसे बनाया। पहले मैडम मैं बताऊंगी, चलो अब जल्दी से मैं अपना घर उठा लेती हूँ और मैडम को बताती हूँ। ये देखिए मैडम मेरा घर। अरे वाह पिंकी, तुमने तो घर बहुत ही शानदार बनाया है, इतने अच्छे से कारीगरी की है, ये तो असलियत का छोटा घर दिख रहा है। वाओ सो नाइस, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत ज्यादा पसंद आया। अरे वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छे से घर बनाया है, तुम तो इनाम के हकदार हो। चलो सुहाना अब तुम्हारी बारी है। यश मैडम अभी बताती हूँ, ये देखिए मैडम मेरा घर। अरे वाह सुहाना, तुम्हारा घर भी कितना ज्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि बड़े घर को बस छोटा कर दिया है। ये तो कितना शानदार लग रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि मिट्टी का घर है। तुमने भी मिट्टी का घर बहुत अच्छे से बनाया है, अब तुम्हें भी ढेर सारे फटाके और जेली बॉल मिलेंगे। अरे मैडम आप मुझे ज्यादा फटाके देंगी। अरे मैडम आप मुझे ज्यादा फटाके देंगी, क्योंकि पिंकी के घर से ज्यादा बड़ा मेला घर है। अरे नहीं मैडम आप मुझे ज्यादा जेली बॉल और फटाके दो, क्योंकि चौहाना के घर से ज्यादा अच्छा घर तो मेला दिख रहा है। अरे अरे बच्चों आप दोनों भी लड़ना बंद करो, मेरे पास एक तरकीब है, ये जितने भी जेली बॉल्स और फटाके हैं हम इसे गिनकर आधे तुम्हें देंगे और आधे तुम्हें, क्योंकि आप दोनों ने भी अच्छा घर बनाया है, इसलिए लड़ना बंद करो। चलो पिंकी और सुहाना तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। अरे अब मुझे चौहाना के पास जाकर खड़े लेना पड़ेगा। देखो सुहाना तुम्हारा एक डब्बा और पिंकी का एक डब्बा, तुम्हें दो जमीन चक्कर और तुम्हें दो जमीन चक्कर। अरे मैडम मुझे ये वाला जमीन चक्कर नहीं चाहिए, मुझे वो पिंक वाला जमीन चक्कर चाहिए। अरे पिंकी तुम्हें जो दिया जा रहा है तुम इसे चुपचाप रख लो। अरे मैडम जाने दीजिए, आप ये पिंक वाला जमीन चक्कर पिंकी को दे दीजिए। चलो ठीक है सुहाना मैं ऐसे ही कर देती हूँ। चलो ये लो पिंकी, और सुहाना बेटी तुम ये ले लो, तुम्हें दो झाड़ मिलेंगे और पिंकी तुम्हें दो झाड़ मिलेंगे। सुहाना तुम्हें दो रॉकी और पिंकी तुम्हें दो रॉकी। सुहाना तुम्हें दो जेली बॉल और पिंकी तुम्हें दो जेली बॉल। अब ठीक है ना, तुम दोनों को भी सही सही सामान मिला है। अहली वाह मैडम आपने तो बहुत अच्छी सी तकसीम किया है। अरे खोई तो ये दरवाजा खोलो, ये कैसे क्या बंद हो गया है, और ये मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैडम अरे सब कहा चले गए हैं, फिर ये क्या हो गया, मैं टॉयलेट में बंद हो गई हूँ, प्लीज हेल्प, कोई तो मेरी हेल्प करो। अरे नैन्सी मैडम आप कहाँ चली गई हैं, अरे कोई तो ये दरवाजा बाहर से खोलो, ये कैसे क्या लग गया है, प्लीज मेरी कोई तो हेल्प करो। अरे कैसे क्या मैं टॉयलेट में बंद हो गई हूँ, अरे दरवाजा भी खुल नहीं रहा है, अरे ये लॉक तब भी मेरा हाथ नहीं जा रहा है, अरे मेरी कोई तो मदद करो। नैन्सी मैडम सुहाना अरे पूरे बच्चे भी कहाँ चले गए हैं, मैं टॉयलेट में ही बंद हो जाऊंगी, अरे अब मैं क्या करूँ। अरे लेकिन मैंने दरवाजा तो नहीं लगाया था, ये कैसे क्या लग गया है। अरे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उठते में मैं टॉयलेट में भी बंद हो गई हूँ, खोल तो दरवाजा खोलो। सुहाना नैन्सी मैडम आप सब कहाँ चले गए हैं, चलो खिड़की से आवाज़ देकर देखती हूँ। नैन्सी मैडम आप मेरी आवाज़ सुन रही है क्या, मैं टॉयलेट में बंद हो गई हूँ। अरे कोई है कि मेरी आवाज़ सुनने वाला, सुहाना प्लीज हेल्प, चलो ये खिड़की में मुंह डाल कर देखती हूँ। ओह माय गॉड मेरा तो खिड़की में सर अटक गया है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। अरे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, चलो निकाल लेती हूँ। अरे मैं क्या करूँ, मैं टॉयलेट के अंदर फंस गई हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। नैन्सी मैडम अरे कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है, मैं टॉयलेट में अटक गई हूँ। और तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। चलो बच्चे तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई है, तुम घर पर जा सकते हो। अहले चिंकी लिंकी मेरी कमर तो इतनी ज्यादा दुख रही है, हम कब से मुर्गा बने हुए हैं, अब ऐसी गलती कभी नहीं होंगी, अब हम हमेशा होमवर्क कल के लेके आएंगे। चलो अब जल्दी से घर पर जाती हूँ और मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा मुझे थोड़ा सा बाम लगा दो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे हाँ मिंकी तुमने बहुत सही कहा, हमारी कमर तो बहुत ज्यादा दुख रही है, हम कब से मुर्गा बने हुए थे। अरे मेरे से भी ऐसी किसी गलती हो गई, मैंने किसी के होमवर्क भूल गई थी, अब मैं हमेशा होमवर्क कल के लेके आऊंगी, नहीं तो मुर्गा बनना पड़ता है। अरे वाह मम्मा जब मुझे देखेंगी कि मुझे इतने सारे जेली बॉल शल फटाके मिले हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। चलो अब मैं जल्दी से ये सब उठाकर अपने घर पर जाती हूँ। अरे वाह मुझे पहली बार स्कूल से इतने सारे इनामात मिले हैं। अरे वो भी नैन्सी मैडम की वजह से, नहीं तो श्रुति मैडम रहती तो वो पूरे फटाके चौहाना को ही दे देती थी। अरे
छुट्टी मैडम से याद आया कि छुट्टी मैडम तो अभी भी टॉयलेट में बंद है। चलो अब मैं यहाँ से अपना सामान उठाकर पतली गली से निकल लेती हूँ। अरे ये क्या, मैडम तो अभी भी टॉयलेट में बंद है, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे वहाँ चलो, स्कूल तो छूट गई है, सारे बच्चे घर पर चले गए हैं, और अब मैं इतने प्यारे प्यारे घर स्कूल के म्यूजियम में रख देती हूँ, जो भी आएंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि इतने छोटे बच्चे मिट्टी का घर कितने अच्छे से बनाते हैं। और नैन्सी मैडम मिट्टी का घर उठा के म्यूजियम में रखने लगती हैं। अरे वहाँ ऐसा लगता है सारी स्कूल खाली हो गई है, सब बच्चे अपने अपने घर पर चले गए हैं। चलो अब मैं भी क्लास को ताला मारकर अपने घर पर चले जाती हूँ, आज तो अकेले मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ। और नैन्सी मैडम भी स्कूल को ताला मारकर चले जाती हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, नैन्सी मैडम, नैन्सी मैडम आप कहाँ चली गई हैं? अरे देखा दोस्तों आपने, नैन्सी मैडम तो टॉयलेट में ही बंद है। अब आगे की कहानी में क्या होने वाला है दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।